असलम स्टूडेंट्स, जिस तरह हम फिर लास्ट पीछे उसको हम सॉल्व कर रहे थे कि जिस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ शो दैट एवरी रिक्वायर हैज़ इज इन इंटीग्रल डोमेन, उसको अब फिर आगे हम सॉल्व करेंगे जो हमारा रह जाएगा पीछे, कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे थे इक्वेशन वन को और इक्वेशन टू को। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आया था हमने यहाँ तक पहले क्या लिया था, ए सी माइनस बी टी का स्केयर, तो दोनों में एक में प्लस था और एक माइनस था, तो हमारे को फार्मूला जो बना था वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का बना था फार्मूला। तो इस तरह इस पे भी स्केयर आ जाएगा, इसके साथ आयोटा था उस पे भी स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। सर इस तरह फिर आगे आपको सॉल्व करेंगे। अब इसको फार्मूला जो ओपन करेंगे वो हमारे पास क्या रहेगा, ए स्केयर सी स्केयर माइनस की जगह हम प्लस करेंगे बी स्केयर डी स्केयर माइनस टू इंटू, अब ए सी बी डी, ये हमारे पास एक पूरी इक्वेशन इसकी बन जाएगी। पर इसी तरह हम माइनस को हम साइड पे दफ़ा कर लेंगे, ये जो माइनस लिखा हुआ हमने, और स्टूडेंट्स इस तरह माइनस इसको हम अलग कर लेंगे, और हाँ जी बिल्कुल माइनस हम इसका अलग कर लेंगे। ये एक और काम भी है, आइस्ट आयोटा स्केयर है ना, इस आयोटा स्केयर की जगह से ये वाला जो है वो प्लस हो जाएगा। अब इसको हम अलग ओपन करेंगे, ए स्केयर डी स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर प्लस टू ए बी सी डी इज इक्वल टू जीरो। ये समझ आ गई माइनस कैसे हुआ प्लस, ये माइनस इस आयोटा किसके एस की जगह से वजह से ये प्लस हो गया। अब इसको हम ओके कर लेंगे, ठीक हो गया। इसको फिर आगे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से माइनस टू ए बी सी डी है और ये प्लस टू ए बी सी डी है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे रिमेनिंग जो टर्म्स हैं वो हमारे पास ए स्केयर प्लस बी ए स्केयर सी स्केयर प्लस बी स्केयर डी स्केयर प्लस ए स्केयर डी स्केयर प्लस बी स्केयर सी स्केयर, ये हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो रह जाएगी। अब ए वाले में से ए स्केयर कॉमन आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा सी स्केयर प्लस डी स्केयर। इसी तरह दूसरे वाले में से बी स्केयर कॉमन आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा सी स्केयर प्लस डी स्केयर, ये हमारे पास रिमेनिंग टर्म रह जाएगी। अब इसका अलग फार्मूला बनेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू सी स्केयर प्लस डी स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसको इस तरह करेंगे कि इथर इनमें से या तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो होगा और या सी स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो इनमें से अगर इम्प्लाइज एट या ए इज इक्वल टू ज़ीरो होगा एंड बी इज इक्वल टू ज़ीरो या सी इज इक्वल टू ज़ीरो और डी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें से एक और भी एक मतलब बनता है इसकी पॉसिबिलिटी, इथिर ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो और सी प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो। इस तरह हम इसको ये आगे भी इसको ले चलेंगे, तो इसका हम फिर हमें पता चल जाएगा मतलब या जो है जी ऑफ आई जी आयोटा हैज़ नो जीरो डिवाइजर हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर, तो इस तरह होने का या जी ऑफ आई इज इंटीग्रल डोमेन। तो दूसरा इसका प्रूफ है वो रहेगा जी ऑफ आई हैज़ एन इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये हमारे पास इसका प्रूफ हो जाएगा। इस पे अदर इज एज इंटेग्रल डोमेन, तो ये हमारे पास इस तरह इसका ये प्रूफ हो जाएगा। अब इसमें हमने आपके सामने ये देखिए चेक कर लिया कि जी ऑफ आई हैज नो जीरो इंटेग्रल डोमेन और जी ऑफ आई हैज, तो इस तरह हमने इसको प्रूव कर लिया। अभी इसको आप देखें समझें, इसको आप देखें समझें और जहाँ से आपको समझ ना आए फिर आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप इसको तो ये आप देखें इस क्वेश्चन को जहाँ से समझ ना आए दोबारा पूछें। ये क्वेश्चन हमने इस तरह सॉल्व कर लिया, तो अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो हम सॉल्व करेंगे।
ये आपको क्वेश्चन आपके सामने सवाल हो।